अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा चिकन स्टीम, मजे का, टेस्टी और इतना इजी है ना कि आप इसे घर में बनाएंगे ना तो आपके जो मेहमान होंगे तो वो वाकई कहेंगे ये रेस्टोरेंट से मंगवाया है, बहुत ही जबरदस्त बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें जो चीजें चाहिए, तो यहाँ पे हमने एक चिकन लिया है, उसके 8 पीसेस करवा लिए हैं, बड़े बड़े पीसेस हैं चिकन के। और अब इसके ऊपर हम कट्स लगाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी कैसे लगाने हैं। और नमक लेंगे हम 1 टेबलस्पून और सिरका लेंगे हम 2 टेबलस्पून। जो बाकी की चीजें हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो पहले हम इसको कट्स लगाएंगे चिकन को। तो चलिए सबसे पहले हम चिकन को कट्स लगाते हैं। हमने जरा गहरे गहरे कट्स लगाने हैं कि नमक मसाला जो है ना वो अच्छे से अंदर तक रच जाए। इस तरह वाले भी आप लगा सकते हैं, इस तरह। चले सारे पीसेस पे कट हमने लगा लिए हैं। तो अब एक बर्तन हमने ले लिया है, कट्स भी लग गए हैं। अब ये सारा चिकन हम इसमें डालते जाएंगे। अब इसके ऊपर सबसे पहले हम लगाएंगे सिरका, अच्छी तरह से लगा लेंगे। सिरका हमने लगा लिया, अब इसके ऊपर हम लगाएंगे नमक। नमक हम इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। पहले ऊपर वाली साइड पे अच्छे से सारा हमने इसको लगा लेना है कि सारा नमक ना अंदर तक रच जाए। चले तो नमक हमने लगा लिया, अब इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए इसी तरह कि नमक और सिरका है ना वो अच्छे से रच जाए और हमारा जो चिकन है ना तो बहुत सॉफ्ट बनेगा, मज़े का बनेगा। चले आधा घंटा हो चुका है और चिकन अच्छे से रच चुका है सिरका और नमक। अब क्या करेंगे, इसका जितना भी पानी है ना वो सारा निकल गया, तो अब इसको एक छाने में हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे एक्स्ट्रा जो भी पानी है ना, थोड़ा सा भी है ना वो निकल जाए सारा। चलें थोड़ा सा पानी इसका निकल जाएगा, उतनी देर हम अपने ऑयल को गर्म कर लेते हैं। अब ऐसा है कि अब हमने चिकन को फ्राई करना है, तो इसके लिए हमने खुला ऑयल ले लिया है, डीप फ्राई करना है। तो फ्लेम ऑन करेंगे और ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है तो अब इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। तो सारा चिकन मैंने ऐड कर लिया है, तो आराम से अब ये गोल्डन ब्राउन होगा तो उसको निकाल लेंगे। सिर्फ 5 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करना है, हाफ कुक करना है, पूरा डन नहीं करना। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, गोल्डन ब्राउन हमने इसको कलर दिया है। तो अब इसको निकालते हैं, ये देखिए इस तरह का कलर है और इसको हमने निकालना है छानने में। तो इसी छानने में इसको निकाल लूंगी। अब ऐसा है कि इसको हमने अच्छे से ठंडा करना है, बिल्कुल ठंडा, गरम गरम नहीं रखना, ठंडा करना है। चिकन को मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे हमने लिया है दही 1/2 कप। रेड कलर लेंगे हम 1/4 टीस्पून, जो रेड जर्दे का जो हम तंजन बनाते हैं जिसमें रेड कलर डालते हैं वो वाला रेड कलर लिया है मैंने पाउडर में 1/4 टीस्पून। जायफल पाउडर लिया हमने 1/4 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च लिए हमने 1 टीस्पून। धनिया पाउडर लिया हमने 1 टेबलस्पून भर के। जीरा पाउडर लिया हमने 1 टेबलस्पून भर के। लाल मिर्चें ली हमने 1 टेबलस्पून। गरम मसाला पाउडर लिया हमने 1/2 टीस्पून। पेपरिका पाउडर लिया हमने 1 टेबलस्पून, अगर नहीं है तो आप मत डालें, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं आपको डालने की। नमक लिया हमने 1/2 टीस्पून। नमक इसलिए हमने 1/2 टीस्पून लिया क्योंकि नमक हमने पहले से लगा लिया था चिकन को तकरीबन 1 टेबलस्पून और लगा के उसको फ्राई किया, तो इसे नमक उसमें होगा। लहसुन पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून। अदरक पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून। तो ये चीज़ें चाहिए हमें चिकन को मैरिनेट करने के लिए। दही में डालेंगे रेड कलर, जायफल पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, पेपरिका पाउडर, नमक, अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर। चलें अब इन सारे मसालों को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही में। तो सारा मसाला रेडी हो गया, बस अब चिकन ठंडा होता है उसके ऊपर लगाते हैं। तो चिकन ठंडा हो चुका है, अब इस बर्तन में हम इसको निकाल लेंगे चिकन को। चलें अब चिकन पे हम मसाला लगाएंगे जो हमने आपके सामने रेडी किया है। मसाला किस तरह लगाना है, हाथ से पकड़ के ना अच्छा अच्छा मसाज करना है अच्छे से। तो ये देखिए चिकन पे सारा मसाला हमने लगा लिया, अब इसको हम करेंगे स्टीम। तो स्टीम करने के लिए चले चलते हैं। स्टीम करने के लिए मैंने एक बर्तन ले लिया और ये मेरे पास स्टीमर है ट्रे वाला, और इस पर मैंने बटर पेपर लगा दिया और नीचे मैंने तकरीबन 2 जग पानी के डाले हैं, ठीक है, मीडियम साइज़ के 2 जग पानी के डाल दिए हैं। और ऊपर ये स्टीम ट्रे है और साथ में बटर पेपर रख दिए हैं। और अब ये चिकन के पीसेस हम इसके ऊपर रखते जाएंगे इस तरह, और इसके ऊपर हम रखेंगे लेमन स्लाइस में कटे हुए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, ठीक है। और अब हम इसको कवर कर देंगे बटर पेपर से। तो
तो अब फ्लेम ऑन करेंगे, फ्लेम हमने 5 मिनट मीडियम रखनी है, मीडियम टू हाई। चले मीडियम टू हाई मैंने फ्लेम रख दिया 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम कर देंगे मीडियम टू लो। अब इसको हम पकाएंगे 20 मिनट के लिए, हमने इसको स्टीम करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। 20 मिनट हो चुके हैं, कवर उठाएंगे। तो अभी इसे हम थोड़ा सा सेट होने देंगे, उसके बाद निकालेंगे। थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए ना, हल्का सा ठंडा हो जाए, उसके बाद निकालते हैं। तो चिकन अब थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तो अब इसको निकालते हैं डिश में जिसमें हमने सर्व करना है। तो तैयार है बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल स्टीम चिकन। यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और बहुत ज़बरदस्त है, तो आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो चलें अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कितना सॉफ्ट हमारा चिकन है। तो ये देखें, इतना सॉफ्ट है कि इसका रेशा रेशा हो रहा है। ये देखें, ज़बरदस्त मज़े का और टेस्टी। तो अगर आपको ये रेस्टोरेंट स्टाइल स्टीम चिकन की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा इंस्टाग्राम, और इस बटन पे क्लिक करके किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बटन पे क्लिक करके लाइफ विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।